हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी भी होम्योपैथिक दवाई को अपने खेत में किसी भी प्लांट की जड़ों में देते हैं तो उसको तैयार करने का क्या तरीका है। देखिए, अगर आप मेडिसिन स्प्रे कर रहे हैं या आप मेडिसिन जड़ों में दे रहे हैं, अगर उससे पहले आप मेडिसिन को तैयार करने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे तो मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में काम करेगी। मेडिसिन की डोज के बारे में मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है कि अगर हमें एक एकड़ लैंड है उसमें अगर हमें अपने किसी भी क्रॉप में मेडिसिन देनी है तो उसके लिए हमें 200 लीटर पानी चाहिए होगा, जिसमें हम 100 ml जो है 100 मिलीलीटर दवाई मिक्स करेंगे। उसको अच्छे से मिक्सिंग टैंक में पानी के साथ मिक्स करके फिर हम अपनी रूट्स में देंगे। तो उससे पहले भी अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो कर लेंगे जो आगे वीडियो में आपको बताऊँगी, तो उससे जो है वो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगी। तो मेडिसिन तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो जैसे पहले नंबर पे आप पिंक कलर वाली बॉटल देख रहे हैं, ये मेडिसिन है जिसको आपने पानी में मिक्स करके अपनी क्रॉप की फसल की जड़ों में देना है। और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 1 लीटर पानी चाहिए होगा। कोई भी आप 1 लीटर बोतल ले लीजिए पानी की और उसमें 1 लीटर पानी भर लीजिए। और तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल मिक्सिंग टैंक है, जिसमें आप मेडिसिन फाइनल स्टेज पे मिक्स करके उससे फर्दर आप ड्रिप में या जैसे भी अपने खेत में ड्रेंचिंग करेंगे। और एक आपको जैसे दिख रही है मिक्सिंग के लिए वुडन स्टिक चाहिए होगी, लकड़ी का कोई भी डंडा। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपका मिक्सिंग टैंक है या जो बॉटल है जिसमें हम पहले मेडिसिन बनाएंगे वो अच्छे से क्लीन होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए। तो जो भी हमने 1 लीटर पानी लिया है 1 लीटर की बोतल में, उसमें आप अपनी सारी मेडिसिन मिक्स कर देंगे। सपोज जैसे आपको एक टाइम पे 100 ml दवाई देनी है, तो आप पूरी 100 ml दवाई जो है वो इस 1 लीटर वाले बोतल पे 1 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, बोतल का जो ढक्कन है इसको अच्छे से बंद कर देंगे और इसको किसी भी हार्ड सरफेस पे, जैसे मेरे सामने अभी टेबल पड़ा है, तो टेबल के ऊपर ज़ोर ज़ोर से 20 टाइम्स आप टैप करेंगे। देखिए, मैं अभी आपको टैप करके दिखाऊंगी। ऐसा करने से जो मेडिसिन के एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जो है मेडिसिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव वे में अपना असर दिखाती है। ये सेम टैपिंग प्रोसेस आप अपने हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। आप अपनी हथेली को जैसे ऊपर आप स्क्रीन में देख रहे हैं एकदम फ्लैट कर लीजिए और फिर हथेली के ऊपर इसे 20 बार टैप कीजिए। तो ये जो बॉटल थी जिसको हमने 20 बार टैप किया था, इसमें हमारा पावरफुल जो है मेडिसिन का सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब इस पूरे सॉल्यूशन को आप अपने टैंक में मिक्स कर देंगे, जो भी आपका मिक्सिंग टैंक है जिसमें पानी में आप कुछ भी फर्टिलाइज़र मिक्स करके देते हैं अपने खेत में या कोई पेस्टिसाइड मिक्स करके देते हैं। तो ये जो टैंक है ये आपका फाइनल मिक्सिंग टैंक है। तो जैसे हमने 100 ml मेडिसिन ली थी, तो इस मिक्सिंग टैंक में हमें 200 लीटर पानी लेना है और जो हमने टैपिंग करके सॉल्यूशन तैयार किया था उसको इस मिक्सिंग टैंक में मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है, 10 बार आपको वुडन स्टिक से इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वुडन स्टिक को रोटेट करना है। इससे जो मेडिसिन है वो पूरे 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट है वो पूरे 200 लीटर पानी में अच्छे से आ जाएगा और अब ये रेमेडी तैयार है आपके खेत में देने के लिए। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस थी मेडिसिन तैयार करने की। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में या स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये किसी मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या ऐसे मेडिसिन मिक्स करना और उसे शेक करना ज़रूरी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं एक्स्ट्रा 5-10 मिनट लगा के तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ पहले से जो मेरे फार्मर सब्सक्राइबर्स हैं या गार्डनर सब्सक्राइबर्स हैं
वो इस स्टेप को फॉलो नहीं करते, वो सिंपल 200 लीटर पानी में जो मेडिसिन है उसे अच्छे से मिक्स करके दे देते हैं तो भी मेडिसिन अच्छे से काम करती है। बस ये शर्त होनी चाहिए कि जो भी आपने मेडिसिन सिलेक्ट करी है या जो भी आप मेडिसिन दे रहे हैं वो एकदम 100% उसकी सिलेक्शन राइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये स्टेप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसका आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना के समझाइए कि कैसे मेडिसिन को शेक करना है, कैसे फाइनल टैंक में मिक्स करना है। तो जो लोग ये फॉलो करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो अपनी चॉइस से इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं कि अगर उन्हें चाहिए कि 100% हमें रिज़ल्ट मिले। अगर सिंपली भी आप मिक्सिंग टैंक में मिक्स कर देंगे, ये शेकिंग वाली प्रोसेस नहीं करेंगे, तो भी मेडिसिन उतना ही अच्छा काम करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।